दोस्तों आज असी तुहानू इस वीडियो च कलौंजी दे फायदियां बारे दसांगे अते ए भी दसांगे कि इस नू लैण दा सही तरीका की है अते केड़ी बीमारी विच कलौंजी नू किस तरह इस्तेमाल करना है। दोस्तों तुहानू पता होवेगा अपने शरीर विच तीन तरह की प्रकृति हुंदी है, वात, पित्त अते कफ। उन्हां दे अनुसार तुहानू सवेरे खाली पेट कलौंजी दा सेवन करना है जां फिर रात नू सेवन करना है, ये असी तुहानू इस वीडियो विच दसांगे। इस तो पहला जे तुसी साडा फेसबुक अते यूट्यूब चैनल सेहत पंजाब हैल्थ सबसक्राइब नहीं किया तो कर लो। दोस्तों शरीर विच जमा चर्बी नू घटाउण लई कलौंजी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुंदी है। इस दे लई एक गिलास कोसे पानी विच एक चमच एलोवेरा जूस, एक चमच आंवले का जूस, एक चमच शहद अते एक चमच कलौंजी का तेल। दोस्तों इन्हां चीज़ां नू पानी विच चंगी तरह मिक्स करके रोजाना सवेरे खाली पेट पीओ। लगातार 3 महीने लैण नाल 10 तो 15 किलो वजन घट हो जाएगा। इस तो इलावा जिन्हां लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, चेहरे पर ग्लो नहीं है, थकान, आलस अते कोई भी काम करन नू मन नहीं करता, तो उस दे लई एक चमच कलौंजी का तेल अते एक चमच आंवले का चूरन लो। इन्हां दोनों नू एक गिलास गुणगुने पानी विच मिला के सवेरे खाली पेट सेवन करो। इस नाल तुहाडे शरीर विच एनर्जी वधेगी अते ब्लड सर्कुलेशन वधेगा। दोस्तों जे तुहाडे सिर विच बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा है, माइग्रेन की समस्या है, तो एक कप ग्रीन टी विच एक चमच कलौंजी का तेल मिला के पी लो। दोस्तों अद्धे घंटे के अंदर किन्ना भी ज़्यादा सिर दर्द हो रहा होवे वो ठीक हो जाएगा। इस तो इलावा जे तुहाडियां अक्खां की रोशनी घट गई है, अक्खां चो पानी आउंदा है अते स्क्रीन ते ज़्यादा समा काम नहीं कर सकते, तो गाजर का जूस लो, उस दे विच एक चमच कलौंजी का तेल मिला के सवेरे खाली पेट पीओ। इस तो इलावा सवेर के समय नंगे पैर घा ते जरूर चलो, 2 महीनों तक तुहाडियां अक्खां की निगाह तेज हो जाएगी। दोस्तों जे तुहानू डायबिटीज़ की समस्या है तो कलौंजी नू अपनी डाइट च जरूर शामिल करो। इस दे लई कलौंजी का पाउडर बना लो अते इस नू पानी विच मिला के लै सकते हो जां फिर आटे विच मिला के रोटी बना के खाओ। कलौंजी शूगर के लेवल नू बहुत जल्द कंट्रोल करती है। जे तुहानू चेहरे ते बहुत ज़्यादा पिंपल्स, शाइयां अते झोरडियां की समस्या है तो जैतून के तेल विच कलौंजी का तेल मिला के चेहरे ते लगाओ। इस तो इलावा एक चमच बेसन, एक चमच दही अते कलौंजी का तेल मिला के चेहरे ते लगाओ। रोजाना इस तरह करन नाल तुहाडे चेहरे दीयां सब समस्यावां दूर हो जाणगीयां। जे तुहाडे बाल बहुत ज़्यादा झड़दे हन, रुखे अते बेजान हन, ਤਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ 1 ਗਿਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਹਲਦੀ, ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਸੁੰਡ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।